हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको राजस्थान के अजमेर जिले के बारे में जानकारी दूंगी। आज हम अजमेर के 10 प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं अजमेर के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। पहला, ख्वाजा साहब की दरगाह या दरगाह अजमेर शरीफ। यह दरगाह भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। दरगाह अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित है। यह प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा स्थित है। यह मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पूरे देश से मुसलमान आते हैं। इसके साथ ही अजमेर आने वाले हिंदू भी इस दरगाह पर आकर चादर चढ़ाते हैं। दूसरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से आगे कुछ ही दूरी पर स्थित है। 800 साल पहले मोहम्मद गोरी के शासन में एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मंदिर से मस्जिद में बदलने में सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा और तभी से इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर साल 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। तीसरा, नरेली जैन मंदिर। नरेली जैन मंदिर अजमेर शहर से 10 किलोमीटर दूर जयपुर बाईपास पर नरेली गांव के पास स्थित है। यह मंदिर 300 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 30 जून 1995 में जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से की गई थी। यहाँ पर एक सिंह द्वार है जो लाल पत्थर से बना है। यह द्वार 81 फीट ऊंचा है। मंदिर में भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ व अरहानाथ की अष्ट धातु की 11-11 फीट की मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर औषधालय और भोजनालय भी स्थित है। चौथा, फॉय सागर झील। यह झील अजमेर शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इसका नाम एक अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1892 में अकाल रहित परियोजना के तहत बनाया था। सूखे के दौरान पानी की कमी को दूर करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। अब यह झील एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। इस झील से आप अरावली पहाड़ी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। पांचवा, अजमेर सरकारी संग्रहालय। यह सरकारी संग्रहालय अजमेर में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना केंद्रीय ब्रिटिश प्रशासन द्वारा की गई थी। यहाँ पर आपको इतिहास से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह देखने मिल जाएगा, जिसमें मूर्तियां, सिक्के, हस्तशिल्प, हथियार आदि मौजूद है। छठवां, आना सागर झील और बरादरी। यह ऐतिहासिक झील अजमेर में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। आना सागर झील व अजमेर नगर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता माँ आड़ा जी चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था, इसलिए इस झील का नाम आड़ा सागर झील या आना सागर झील पड़ा। इस झील के किनारे बारादरी का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1637 शताब्दी में करा था। झील के परिसर में दौलत बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा कराया गया था। यह स्थल अजमेर शहर की शान है और यह स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। सातवां, तारागढ़ किला। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम में अढ़ाई दिन के झोपड़े के पीछे स्थित है। यह दुर्ग अजमेर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दुर्ग अजमेर के चौहान राज अजय राज द्वितीय ने 1033 ईस्वी में बनवाया था। इस किले का नाम मेवाड़ के राजा ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा था। आठवां, नासियान मंदिर। यह मंदिर अजमेर में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1865 में हुआ था। इस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 2 मंजिला इमारत है। नौवा, पृथ्वीराज स्मारक। यह स्मारक अजमेर में तारागढ़ रोड पर स्थित है। यह स्मारक चौहान वंश के महान नायक पृथ्वीराज चौहान को समर्पित है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के काले पत्थर की मूर्ति है जो घोड़े के ऊपर बैठी है। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और तीर को भी दर्शाया गया है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अंतिम शासक थे। दसवां, बुलंद दरवाजा। यह प्रवेश द्वार दरगाह शरीफ के दक्षिण में है। इसका निर्माण इस्लामी डिजाइन में हुआ है। इसका निर्माण 1576 में खानदेश और अहमदनगर पर अकबर की जीत पर किया गया था। इसकी ऊंचाई 176 फीट है। इसके निर्माण में संगमरमर के साथ साथ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी किया गया है
और इसमें सुंदर नक्काशी भी की गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।